तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी ये पहली क्लास है और थोड़ी सी थ्योरिकल चीजों पे मैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारे पास है वीवीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, राइट। तो वीवीए आपको पहले बता दूं, एक भी वीवी सिक्स नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है, डॉट नेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि तो इन सबों से आप क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वीवीए के जरिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ फीचर्स को डेवलप करेंगे। अब वो फीचर क्या है, अब वो फीचर है जैसे कि मैक्रोस, ठीक है, मैक्रोस के बाद आता है हमारा फंक्शन, दूसरा आता, तीसरा आता है यूजर। तो मैक्रोज बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं एंड यूजर फॉर्म बना सकते हैं। तो क्या होता है चीजें, चलिए इस पे बात करते हैं। हम बात करते हैं मैक्रो, मैक्रोस को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो एक ऑटो पायलट भी कह सकते हैं कि दिस इज एक ऑटो पायलट। ऑटो पायलट जैसे प्लेन को फ्लाई करता है, उसकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेम थिंग ये भी आपको करेगा। आपका ये भी प्लेन को फ्लाई करता है दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका काम करता है। जैसे कि आपने बोला कि सीट ट्यूब पे जाओ, डेटा को कॉपी करो, दूसरे सीट पे जाओ, पेस्ट करो, पिवट लगाओ, फलाना करो, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने दे दी। नेक्स्ट टाइम एक बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका सारा काम हो जाएगा, वो भी आपसे 1000 गुना फास्ट। जी हाँ, 1000 गुना फास्ट, मतलब जो काम आप घंटों में करेंगे ये कुछ सेकंडों में कर देगा और 100% एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है 1500 लोगों को चाहे 1000 लोगों को मेल करनी है इंडिविजुअल, एक उनकी एक फाइल्स के साथ या उनकी जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के साथ, तो आप अगर मैनुअल करेंगे तो ऐसी चांसेस है कि किसी को आप मेल छूट जाए, आपसे भेजे नहीं, या किसी को डबल भेज दे, या किसी का स्टेटमेंट अटैचमेंट किसी और को अटैच करके भेज दे, ऐसी गलतियां हो सकती है आपसे। बट इसी चीज को आप माइक्रो के जरिए करेंगे तो एक गलतियां होने के चांसेस बहुत 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 कम है, नहीं होगा गलती। तो हम मैक्रो का यूज करते हैं अपने पूरी रिपोर्ट को इजीली क्रिएट करने के लिए और फास्ट क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं फंक्शंस का। फंक्शन का यूज जो होता है वो फंक्शन का यूज होता है न्यू फॉर्मूला बनाने के लिए, चाहे वो आप माइक्रोज के लिए बनाए या अपने खुद के लिए। जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे फॉर्मूलेज आप क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूलेज हैं तो फिर क्यों अपना खुद का फॉर्मूला क्रिएट करें। देखिए, यहाँ खुद का फॉर्मूला करने का मतलब है कि कस्टमाइज करना। अब जैसे कि वी लुकअप ले लीजिए, ये सिंगल सीट पे काम करता है, आपको डबल सीट पे काम करवाना है तो आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों करवाना है तो फॉर्मूला बना लीजिए। तो ये चीजें की जा सकती है फंक्शन की मदद से। फंक्शन के बाद आप बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म हम एक दिख रहा होगा एफएक्स, मतलब
पॉपअप क्रिएट करने के, किसी भी तरह का जो पॉपअप है उसको क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है कि हम कब अप्लाई करेंगे वीवी। ऐसा तो नहीं कि उठे और वीवी प्रोग्रामिंग लगती है, एक छोटा सा काम है कॉपी पेस्ट करने के लिए, नॉर्मली वो किया जा सकता है, आपने उठा और उसको क्या कर दिया। फॉर्मूला बना दिया क्या, तो हेलो, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही नहीं ब्रेक नहीं हो रहा, मैं रुक जा रहा हूँ, ब्रेक नहीं हो रहा। है। जी तो आप जो है माइक्रो कब बनाते हैं, रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जो मुझे बार बार जरूरत पड़ रही है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, अब ठीक है आवाज मेरी। हेलो, जी सर, आवाज तो हम बात करते हैं रिपीटेड जॉब, मतलब कि आपके पास ऐसा नहीं कि एक छोटा सा काम है यार जिसमें आपको मैक्रो बनाना है, उसको लेकर आपने आपको उसमें एक छोटा सा कॉपी पेस्ट करना है, आपने उसको मैक्रो बना, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में आपको ये होगा कि आपका जो ए है, आपका जो टाइम है वो काफी कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आप ऑटोमेशन वही चीज पे बनाओगे ना जिसकी रिपीटेशन। अब आपको डेली ऑफिस जाना है तभी ना गाड़ी अरेंजमेंट करोगे। अब मान लीजिए कि आपको एक दो बार साल में जाना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ी के गाड़ी खरीदेंगे, आप अपनी ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, किसी से शेयर भी कर सकते हैं, किराए पे भी ले सकते हैं ना। क्या करूँगा, यहाँ ऐसे सॉरी मैम थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही है। तो हम तो वेन मतलब कि हम कब जाएंगे इसको, कब इसको सॉरी कब इसको हम यूज करेंगे, जब हमारे पास लेंदी जॉब रिपीटेड जॉब होगा या लेंदी जॉब, तो एक ऐसा काम जो हमें बार बार करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो काम है वो आपका लेंदी है, एक ही बार आया है लेकिन इतना लेंदी है कि उसको जब यूज करते हैं आप तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो उस केस के लिए आप एक शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। फिर आता है किसके लिए कोड, तो ये क्या होता है कि आपकी एक्सेल के आपके एक्सेल में क्या होता है कि आपकी जो माइक्रो सिक्योरिटी होता है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो मान लीजिए आपने एक फाइल बनाया जिसको आपने अपने ऑफिस के 50 लोगों को मेल कर दिया, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि 50 लोग जैसे फाइल खोलेंगे जिनका माइक्रो अनेबल होगा उसके सिस्टम में तो आपका माइक्रो रन कर दिया जाएगा, लेकिन जिसका माइक्रो डिसेबल होगा उसको सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, अलर्ट आएगा, प्लीज ओपन द माइक्रो, अनेबल द माइक्रो। अब जो जानते हैं कि क्या होता है माइक्रो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपसे फोन करेगा बोले कि निकिता इसके अंदर तो प्रॉब्लम है, इसमें सॉ इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, फलाना दिखाना वायरस है, ए है वो है, फिर उनको समझाओगे नहीं नहीं इसमें माइक्रो लगा हुआ है, अनेबल कीजिए चल जाएगा, माइक्रो क्या होता है इसे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ जाएगा बात को, तो टेंशन हो गई नहीं। तो
अवॉइड करें अगर किसी को मैक्रो बन किसी को फाइल भेजना है उस पर मैक्रो लगा। हाँ तो उस केस में लगा सकते हैं, कहने मतलब कि टेंशन लेंगे लेकिन हर बात बात पे क्यों लेंगे, जब जरूरत होगा वहां लेंगे ना क्या। और सिर्फ यही नहीं, टेंशन की बात नहीं है, बात और एक और चीज भी है, क्योंकि आपका जो ये है मैक्रो वेब वर्जन पे नहीं चलता। और जैसे कि कोई आपके बॉस है जो बाहरी रहते हैं उधर मार्केट में घूमते रहते हैं चाहे कुछ भी रहते हैं मोबाइल पे ही देखते रहते हैं रिपोर्ट, तो उनके लिए फिर मैक्रो सही नहीं होगा क्योंकि उनके यहाँ मैक्रो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि वेब वर्जन पे हमारा मैक्रो वर्क नहीं करता। हमारा मैक्रो सिर्फ किस पे वर्क करता है, आपके डेस्कटॉप वर्जन पे। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द मैक्रो के बारे में। देखिए आपके पास जब भी मैक्रो यूज करने जा रहे हैं तो दो तीन चीज आप पहले सेट कर लें। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब नहीं है तो आप जाएंगे एक्सेल ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, और ये आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे पहला, ठीक है। ये लाने के लिए आपके डेवलपर टैब लाने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, ऑप्शन पे आना होगा और कस्टमाइज रिबन पे जाना होगा और इस पे क्लिक करना, ठीक है जे? उसके बाद डेवलपर टैब आने के बाद फिर सिक्योरिटी को यहाँ से अनेबल करना। लेकिन जब सिक्योरिटी मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है कि नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट, तो आप अनेबल करना आपको आपकी मजबूरी है, क्योंकि अनेबल नहीं करेंगे तो हर माइक्रो पे आपको प्रॉब्लम होगा, इवेंट माइक्रो बहुत सारे माइक्रो नहीं वर्क करेंगे। लेकिन जब इसको रन कर देते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी अननोन सोर्स से जो फाइल आएगी उस फाइल पे देख ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा, जो आपके पास मैक आएगा जो ये आपका डॉट एक्सएलएस यहाँ जो डॉट एक्सएलएस एक्स का फॉर्मेट है ना, ये आपका समझ जाइए कि ये आपका जो फाइल है ये फाइल एक्सेल की फाइल है, इसमें किसी भी तरह का कोडिंग नहीं होगा क्योंकि माइक्रो डिसेबल फाइल, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, ये भी आपका जो 2007 ऑफिस 2007 का फाइल होता है डॉट एक्सएलएस एम, यहाँ दिख रहा है ना आपको डॉट एक्सएलएस एम की फाइल हुई। अभी ये फाइल थोड़ा सा अली अजीब दिख रहा होगा ना, क्योंकि मैंने डब्ल्यू पी एच डाउनलोड किया है ना, उसे सारा चेंज कर दिया है एकदम। डॉट एक्सएलएस एम जो है आपका वो क्या है कि माइक्रो सिक्योरिटी इसमें, सॉरी इसमें माइक्रो एनेबल वर्कबुक है, इसमें डेटा भी हो सकता है इसमें माइक्रो भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है ना।
लेकिन जो ए फाइल आएगी इस आइकन से, इसको बोलते हैं डॉट एक्सएलएस ए एड इंस्ट फाइल, इसमें 100% डेटा ही हो, मैक्रो ही हो, इसमें डेटा नहीं होगा क्योंकि डेटा कैरी नहीं करता है, जस्ट मैक्रो ही कैरी करता है। ठीक है, तो इसका ध्यान आप रखिएगा, समझे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में। जैसे कि माइक्रो जो होता है तीन टाइप का होता है, एक होता है पब्लिक माइक्रो। पब्लिक माइक्रो जैसे आपने कोई माइक्रो रिकॉर्ड किया चाहे बनाया और आप जाते हैं माइक्रो में रन करते हैं, वो मोस्टली पब्लिक माइक्रो होता है। पब्लिक माइक्रो माइक्रो के माइक्रो फाइल के साथ, बुक वन के साथ सेव होता है, किसी को भी भेजिएगा, हर कोई माइक्रो को यूज कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइल के साथ पब्लिकली ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा आता है आपका पब्लिक माइक्रो की प्रॉब्लम में होती है कि आप दूसरे फाइल में इसको रन कर सकते, कि यहाँ पे बुक वन का माइक्रो, बुक सिक्स का माइक्रो है ना, हम यहाँ रन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बुक सिक्स हमेशा ओपन रहना चाहिए, अगर ओपन नहीं है तो आपका माइक्रो लिस्ट में दिखेगा ही। तो आप चाहते हैं कि एक टूल्स की तरह यूज हो, कि हर फाइल में, हर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन साथ रहे, हर सॉफ्टवेयर में उसको यूज कर सकूं, तो उसके लिए हम बनाते हैं पर्सनल माइक्रो। ये चीज आपको माइक्रो रिकॉर्ड करते समय भी दिख जाता है, स्टोरी माइक्रो, पर्सनल पर्सनल माइक्रो, या हम इसको कहते हैं एड इंस। ये आपके किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं होता है, ये पूरा के पूरी एप्लीकेशन में होता है, और जहां जहां फाइल ट्रेवल करती है वहां वहां भी ये ट्रेवल करता है। ठीक है, सुबह तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। इवेंट माइक्रो, जैसे आप माइक्रो बना लेते हैं तो आपको यहां से रन करना पड़ता है ना, क्या मैम? लेकिन इवेंट माइक्रो अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या फायदा होता है, इवेंट माइक्रो यूज करने से फायदा यहाँ पे ये होता है कि आपकी एक्शन पे से आप राइट क्लिक करो तो आपका माइक्रो रन हो जाए, फाइल ओपन हो तो माइक्रो रन हो जाए, कहीं पे डबल क्लिक करो तो माइक्रो रन हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं इवेंट में, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि शीट थ्री पे जहां भी क्लिक करो वो कलर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसकी कोड करते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया वर्कशीट, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज, और यहाँ लिख देते हैं एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वी वी रेड ग्रीन ब्लू, जो डाल दें, मैं जहां भी क्लिक करूंगा क्या होगा, वो एरिया कलर्ड हो जाए जहां भी क्लिक करूं। ठीक है, तो कलर करने का जो कोड है कब रन हो रहा है, जब मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूं तो रन हो रहा है, समझे मैम? अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि आगे जो आपको माइक्रो यूज करना है उससे पहले आपके पास अगर एक टाइम हो तो एक आर्टिकल पढ़ लें। ये आर्टिकल मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा आर्टिकल है, किसी और का है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, जो शुरुआत में मैंने पढ़ा था, मैं सीख रहा था तो इसको मैंने देखा था सर, बहुत पुराना वेबसाइट है, excel-vva.com। अब इसके अंदर जब क्लिक करेंगे सेक्शन में तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे फिगर के साथ दिया हुआ दिख रहा है ना, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप इसको जो है ना अपने हिसाब से देख लें। ठीक है,
उसके बाद जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और कल जो है हम कोडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है? जी सर।